Now let's understand some meanings, some word meanings, meanings. word word As you can see on your screen, the first word is media. Media is means of communication. अगर आपको एक वर्ड वेब बनाया जाने को कहा जाए कि भाई वर्ड वेब बनाइए मीडिया को लेकर के तो आप उसमें क्या क्या लिख सकते हैं इस तरीके का होता है उसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं न्यूज़पेपर रेडियो टेलीविज़न ई रिसोर्सिस उसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आप बता सकते हैं या मीडिया रिसोर्स आप बता सकते हैं सो दिस इज मीडिया मीडिया को हिंदी में मीडिया ही कहा जाता है नो विजिबिलिटी विजिबिलिटी मीन्स क्लैरिटी यानी स्पष्टता राइट नेगलेक्टेड मीन्स इग्नोर जिनको जिनको इग्नोर किया गया हो जिनको अवहेलना की गई हो जिनकी उन्हें हम कहते हैं निगलेक्टेड देन नेक्स्ट वर्ड इज़ डिप्राइड डिप्राइड मीन्स डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज मतलब जो किसी चीज़ से दूर रह गए हैं तो बच्चे किस चीज़ से दूर रह गए थे एजुकेशन से चाइल्डहुड से फंडामेंटल राइट right से तो मतलब वंचित हम कह सकते हैं वंचित राइट right? उसके बाद वर्ड आता है इंस्पायर इंस्पायर मीन्स एनकरेज प्रेरित करना फिर नेक्स्ट वर्ड इज़ मोबिलाइजिंग मोबिलाइज मतलब टू गैदर समथिंग गैदर समथिंग मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना ये वर्ड वहाँ पे यूज़ हुआ है जब कैलाश सत्यार्थी बता रहे थे कि जब इंडिविजुअल्स, बिजनेस हाउसेस गवर्नमेंट्स मिलकर के हैंड टू हैंड वर्क करेंगे मोबाला मोबाइल मोबिलाइज़ होके मोबिलाइज होके हैंड टू हैंड काम करेंगे वहाँ पे ये वर्ड आ है नेक्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड मीन्स इंक्लूडेड उस समय भी मैंने बताया था एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन हिंदी इसका मीनिंग होता है सम्मिलित नेक्स्ट एक्नॉलेज एक्नॉलेज एक मीन्स एक्सेप्ट स्वीकार करना देन इनटॉलरेबल इनटॉल इनटॉलरेबल को अनबीएल भी कहते हैं या जिसे हम सहन नहीं कर सकते असहनीय भी कहते हैं इसे उसके बाद अनएक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल मतलब अनडिज़ायरेबल जिसे हम क्या गवारा नहीं कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं गवारा नहीं या जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते ओके ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी मीन्स ऑल द पीपल इन वर्ल्ड और ह्यूमैनिटी को हम हिंदी में एक वर्ड में कहते हैं इंसानियत राइट नेक्स्ट माविलस माविल्स मीन्स वंडरफुल जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं ना तो या कोई चीज़ ऐसे देखते हैं जिसको देख के बहुत मज़ा आ गया तो हम समाइम्स ये फ्रेज इट्स अ मावलिस मूवी हम कहते हैं राइट सो माविल्स मतलब शानदार वंडरफुल बहुत मज़ेदार तो माविलिस्क मीनिंग वन्डरफुल होता है फिर एबॉलिशन टू एबॉलिश राइट इसको मतलब होता है एंडिंग यानी उन्मूलन किसी चीज़ के समाप्त करने के लिए हम एबॉलिश का यूज़ करते हैं देन सस्टेनेबल सस्टेनेबल का वर्ड होता है केपेबल टू कंटिन्यू राइट इसका मीनिंग होता है टिका हुआ होना लगातार कोई काम करते रहना ऐसा और पोस्ट मिलीनियम जैसे कि मैंने आपको बताया था पोस्ट मिलीनियम का अर्थ होता है कि हज़ार या सहस्त्र शताब्दियों तक के बाद भी सहस्त्र शताब्दी के बाद भी After a long period of 1000 years. Take care. So, this is all from the meaning portion. Now, let's come toward the question answer part of this chapter. Now, the first question you see on your screen is Why did Adam Smith call Kala Satyarthi? इसका मीनिंग होता है कि कैलाश सत्यार्थी को एडम स्मिथ ने क्यों कॉल किया था तो स्मिथ ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कॉल किया था क्योंकि उन्होंने नोबल पीस प्राइज़ जीता था और साथ ही साथ ही वॉन्ट्स टू टेक हिज इंटरव्यू टू और उनका इंटरव्यू भी वो लेना चाहते थे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वाई वॉज कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबल प्राइज़ ऑफ पीस मतलब कैलाश सत्यार्थी को नोबल पीस प्राइज क्यों मिला था just because of his struggle towards deprived child because he want to end the child slavery that's why he struggled for the deprived children who are deprived from the education from their childhood from the education and also from their fundamental राइट्स तो इसीलिए उनको क्या मिला था अवार्ड मिला था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए थे इंडिया में ही नहीं और भी उन्होंने बहुत सारे काम किए थे जिससे कि वो चाइल्ड सिलेवरी का अंत कर सके यानी बाल श्रम को रोक सके चाइल्ड सिलेवरी मतलब होता है बाल श्रम उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत काम किया था ताकि इन बच्चों को उनका अधिकार मिल सके इसीलिए उनको जो है नोबल पीस प्राइज मिला था क्योंकि अकॉर्डिंग टू नोबल कम्युनिटी ये एक नोबल काम था यानी नेक काम था ओके वॉट डिड कैलाश सत्यार्थी से ऑन बींग्रेचुलेटेड बाई एडम स्मिथ जब एडम स्मिथ को सॉरी uh, जब एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी को कांग्रेचुलेट किया उस समय कैलाश सत्यार्थी ने क्या कहा तो जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया था आई टोल्ड यू दैट कि कैला सत्यार्थी ने उनको क्या कहा था थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अर ऑनरेबल प्राइज एंड दिस ऑनर इज़ नॉट ओनली फॉर मी दिस इज़ ऑल्सो फॉर दोज चिल्ड्रेन हु आर डिप्राइड फ्रॉम द एजुकेशन द चाइल्ड हुड एंड द फंडामेंटल राइट्स नाउ पीपल आर गोइंग टू रिकोगनाइज दिस काइंड ऑफ चिल्ड्रंस एंड आई होप दे विल हेल्प दिम और उन्होंने साथ ही साथ पूरे इंडियंस की तरफ से उनको थैंक यू विश किया था ओके okay. थैंक यू कहा था आगे वॉट इज एंड चाइल्ड सिलेवरी ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि एंड चाइल्ड सलेवरी वीक क्या है एंड चाइल्ड सलेवरी वीक हर साल ऑर्गेनाइज होता है ये जो है इस तरीके का वीक ऑर्गेनाइज किया जाता है कि वर्ल्ड के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो इस स्ट्रगल में सम्मिलित है वो साथ में दे मोबालाइज्ड और दे केम टुगेदर और उन एक्टिविटीज़ उन प्लान ऑफ़ एक्शंस पे काम करते हैं जिससे कि पूरे वर्ल्ड में चाइल्ड सेलिब्रिटी चाइल्ड सेलेवरी को एलिमिनेट करने के लिए वो वर्क कर सके और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके उस तरह के एक्शन प्लान्स और एक्टिविटीज़ की प्लानिंग की जाती है और इवेंट्स की प्लानिंग की जाती है और उनको पूरे ईयर के लिए शेड्यूल किया जाता है जिससे कि पूरे वर्ल्ड में चाइल्ड सेलेवरी का एंड किया जा सके या उसको एलिमिनेट किया जा सके वॉट आर द टू वे इन विच पीपल कैन हेल्प टू एबॉलिश चाइल्ड सेलेवरी अकॉर्डिंग टू सत्यार्थी अब अकॉर्डिंग टू सत्यार्थी यानी सत्यार्थी की तरफ की समस्या सत्यार्थी के अकॉर्डिंग ऐसे कौन से दो तरीके थे जिस जिनके तरी जो उन्होंने सुझाया कि इस तरीके से पीपल उनको हेल्प कर सकते हैं तो पहला तरीका ये था कि the people must acknowledge and feel that there is still child slavery exists in the world and it is the ugliest part or ugliest face of humankind right and this is not acceptable or unbearable right so we as a human being we should work against it and we should save those children right we should डिफरेंट स्टेप्स टू सेव दोज चिल्ड्रेन हुआ डिप्राइव्ड तो उन्होंने पहला स्टेप ये बताया था कि लोगों को क्या होना चाहिए जागरूक होना चाहिए और उनको ये फील होना चाहिए कि अभी भी पूरे वर्ल्ड में चाइल्ड सलेवरी एग्जिस्ट कर रही है और ये ह्यूमन काइंड का यानी इंसानियत का सबसे बदसूरत चेहरा है और उन्होंने ये भी चीज़ एड ऑन करी कि ये अनबियरेबल है और अनएक्सेप्टेबल है ठीक है तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता और लोगों को सामने आकर के उन बच्चों के उन डिप्राइड बच्चों की मदद करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए और दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कही कि इस कार्य के लिए और फॉर दिस वर्क देर इज़ अ नीड ऑफ़ पॉलिटिकल विल ग्रेट नीड ऑफ़ पॉलिटिकल विल साथ ही साथ कॉरपोरेट बिजनेस वर्कर्स और पब्लिक सोसाइटी का भी इनका सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है तभी वो इस जो मिशन है उसको वो आगे बढ़ा सकते हैं सो इन दिस वे वी कंप्लीटेड अवर द चैप्टर द ग्रेट in this way we completed our chapter the great moment for those children i hope you understand the explanation word meanings and question answers of this chapter after completing the explanation question answers word meanings of a great moment for all those children lesson let's go to the exercise portion and practice some more exercises given in your book right so when

इन सेंटेंस ठीक है ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ किस लिए किया जाता है मॉडिफाई करने के लिए या नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी सेंटेंस में इनका यूज़ किया जाता है और ऑक्सफर्ड डिक्शनरी के डिफिनेशन uh, को अगर हम देखें तो इट इज़ यूज बिफोर अ नाउन और अ फ्रेज़ टू शो वॉट और हु इट रिफर्स टू ठीक है Uh, इस डिफिनेशन के अनुसार हम देखें तो इसमें जो डिटामाइनर्स है उनका यूज़ इसलिए किया जाता है जो नाउन है या फ्रेजर्स हैं वो किसकी ओर रेफर कर रहे हैं है ना राइट नाउ यहाँ पर अगर हम टाइप्स ऑफ डिटमाइनर्स की बात करेंगे तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ डिटमाइनर्स बेसिकली फर्स्ट वन इज आर्टिकल आर्टिकल यू नो वेल ए एंड द राइट फिर सेकेंड वन इज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दैट इज दिस दो दिस ये जो हुए वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव्स डिमॉन्स्ट्रेट राइट तो ये जो एडजेक्टिव्स है वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं सो ये एग्जांपल्स हुए राइट उनके ना फिर आते हैं दर्ड वन इज पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं माई हर योर्स माइन इट्स ऑन राइट सो ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं इसे हम पॉजिटिव uh, एडजेक्टिव्स लेंगे. द लास्ट वन इज़ quantifiers. Quantifiers में बहुत सारी चीज़ें आती हैं सम एनी many, मच फ्यू little, a few, अ little, ईच एवरी There आर सो so many एंड सो ऑन राइट सो इनको जानने से पहले राइट right, हमको जानना पड़ेगा कि या इसकी एक्सरसाइज करने से पहले बेस्ट या पार्ट ये है कि इन सब की एक्सरसाइज करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये है क्या क्वांटिफायर्स में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ना द क्वेश्चन इज मैम ये काउंटेबल नाउन क्या होता है और ये अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है तो बच्चों काउंटेबल नाउन जो होता है विच कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग नंबर्स जिनको हम नंबर्स में यूज़ कर सकते हैं राइट जैसे बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं टेबल्स uh, को हम काउंट कर सकते हैं पेन को हम काउंट कर सकते हैं राइट right? लेकिन अगर हम अनकाउंटेबल नाउन uh, uh, की बात करें तो इट कैन नॉट बी एक्सप्रेसड बाय यूजिंग नंबर्स ठीक है तो इनको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल वाटर मिल्क ये हम काउंट नहीं कर सकते राइट right? uh, अब अगर पूछे कि मैम वाटर और मिल्क को हम लीटर में लिख सकते हैं तो हम आप हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं तो इसके लिए डिटेल में जानने के लिए आपको पूरा नाउन पढ़ना पड़ेगा तो आप अभी बस इतना समझिए कि काउंटेबल नाउन के जो एग्जाम्पल्स दिए मैंने लाइक जस्ट लाइक पेन बॉय मैन टेबल ये काउंटेबल नाउन्स है राइट और अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या चीज़ें आ जाएंगी अनकाउंटेबल नाउन्स में वो सारी चीज़ें आएंगी जैस लाइक वाटर मिल्क ये सारी चीज़ें एक और चीज़ काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं प्लूरल भी हो सकते हैं राइट बट अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होंगे वो हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे राइट right? जैसे कि काउंटेबल नाउन में हम कह सकते हैं बॉय है ना बॉय और थ्री बॉयज यहाँ पे काउंटेबल नाउन हुआ है ना ये सिंगुलर भी हुए और प्लूरल भी हुए लेकिन अगर हम वाटर को बोलते हैं तो क्या हम उसे अ वाटर और लॉट ऑफ वाट लॉट ऑफ वाटर कहेंगे है ना लेकिन वहाँ पे लॉट ऑफ वाटर्स नहीं कहेंगे एस नहीं लगेगा प्लूरल नहीं होगा तो काउंटेबल नाउन जो होगा वो जो होगा हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है बट अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होगा प्लूरल नहीं होगा इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे लेकिन सबसे पहले हम लेते हैं आर्टिकल्स को आर्टिकल्स जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वेरी इजी है ना सबको इजी लगता है यूज़ ऑफ ए एंड द ही तो करना है लेकिन सबसे बड़ी बात आर्टिकल्स को दो भाग में डिवाइड करते हैं द फर्स्ट वन इज़ इनडेफिनेट एंड द सेकेंड वन इज़ डेफिनेट पार्ट राइट तो इनडेफिनेट में कौन कौन से पार्ट आते हैं ए और एन आता है राइट right? और डेफिनेट में कौन कौन से पार्ट आते हैं द आएगा राइट right. ओके okay. अब कहाँ ए का यूज़ होता है कहाँ एन का यूज़ होता है और कहाँ द का यूज़ होता है चलिए इसको बहुत ब्रीफ़ में जानने की कोशिश करते हैं उसके बाद ही क्योंकि हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आगे कर पाएंगे राइट सो अब ए का यूज़ कहाँ होता है वेन द साउंड फॉलोइंग इट इज़ अ कॉन्टेंट राइट अल्फाबेट आपने बहुत अच्छे से जाना है वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं एक वॉवल होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट होते हैं राइट कॉन्सोनेंट होते हैं नाउ जब हम बात कर रहे हैं वॉवल्स की वॉवल्स कौन कौन से होते हैं देर आर फाइव वॉवल्स आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ए ई आई ओ यू राइट और बचा हुआ जितना भी अल्फ़ाबेट है इनको छोड़कर बिसाइड देम बिसाइड द वॉवल्स बचे हुए जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं दे ऑल आर कॉल्ड कॉन्सनेंस राइट सो वेन द साउंड फॉलोइंग इट इज अ कॉन्सनेंट ठीक है वहां पर अ का यूज होगा अभी देखिए कुछ एग्जाम्पल्स में आपने सामने ऐसे पुट करूंगी जो कि आपको थोड़े से ऐसे लगेंगे कि मैम कुछ गलत कह रहे हैं राइट right? सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं ए के लिए अ मैन राइट उसके बाद हम लिख सकते हैं अ बुक राइट अ मैन ओके नोट कंफर्टेबल क्योंकि सबके पहले मैन uh, में एम है बुक में बी है एंड देन मैंने एक और चीज़ कही और टेबल मान लीजिए तो टेबल में टी है, तो सारे कॉन्सनेंट्स हैं अब मैं कहती हूँ अ यूरोपियन लेडी और अ यूरोपियन गर्ल कुछ भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ई e का यूज़ हुआ है नाउ आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम अभी तो आपने कहा कि वॉवल्स की बात करी तो ई तो वॉवल्स हैं देन वाई आर यू राइटिंग अ इन फ्रंट ऑफ देम या एक और एग्जाम्पल लिखते हैं अ वन रुपी नोट स्टिल वन ओ ओ के आगे मैंने लिखा ए राइट यहाँ पे मैंने एक चीज़ कही साउंड की बात की थी जब मैंने डिफाइन किया कि एक कहाँ यूज़ होगा वहाँ मैंने कहा था व्हेन द साउंड फॉलोइंग द कॉन्सोनेंट्स ठीक है जब मैं बात कर रही हूँ यूरोपियन सो वाई वाई साउंड कर रहा है तो वाई इज़ अंस कॉन्सोनेंट राइट इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है ए वन रुपी नोट व या वी का यूज़ हो रहा है यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें बच्चों फ़ोनिक्स में आती हैं आ, वो आप फोनिक्स जब जानेंगे तब उस समय समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है राइट तो अभी हम बेसिकली इतना ही समझते हैं कि जो हम सुनते हैं एट दैट टाइम अगर हम वावल्स नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वहाँ ए यूज़ होगा राइट सो दावल सॉरी सो ए इज़ यूज वन द साउंड फॉलोइंग द कॉन्सनेंट ठीक इसके अपोजिट एंड यूज तब होगा वन द साउंड फॉलोइंग इट इज अ वॉवल नेक्स्ट वर्ड क्या है वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और वॉवल साउंड कर रहा है देन ओनली एन का यूज होगा फॉर एग्जाम्पल एन एग एन एलिफेंट राइट देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स यू कैन राइट लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जहाँ आप देख करके फिर कंफ्यूज हो जाएंगे जस्ट लाइक एन एम एल एन एम पी एन ऑनेस्ट मैन एन एस पी यहाँ देखिए जितने भी राइट right? जितने भी वर्ड स्टार्ट हुए हैं एम एल एम पी एस पी राइट तो सब में सबसे पहले हम क्या ए ए वाला साउंड निकाल दें एस पी एस ए एस ए एम एम तो ए साउंड जो है हमारे मुंह से बाहर आ रहा है इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है एन यूज़ रहा है लाइक वाइज ऑनेस्ट ऑनेस्ट का स्पेलिंग क्या होता है एच ओ एन ई एस टी हम उसे हॉनेस्ट कहते हैं क्या नहीं हम क्या कहते हैं उसे ऑनेस्ट कहते हैं लाइक वाइज तो यहाँ पे जो वर्ड साउंड हो रहा है वो ऑनेस्ट ओ ओ साउंड कर रहा है राइट right? एच क्या हो गया साइलेंट हो गया सो so, ऐसे वर्ड जहाँ पे एच भी साइलेंट होता है और साथ साथ वो वर्ड्स जो कि वावल साउंड से स्टार्ट होते हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं एन। सो इट इज़ सो सिंपल टू अंडरस्टैंड नाउ कमिंग टू द द पोर्शन, द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल तो यहाँ जितनी भी डेफिनेट चीज़ें होती हैं उन पर उनके सामने हम द लगाते हैं देर आर सो मेनी थिंग्स चलिए हम कुछ चीज़ों को जानते हैं हालांकि ये थोड़ा बड़ा है लेकिन हम फिर भी एक ब्रीफ सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि द कहाँ कहाँ यूज़ होता है जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या किसी वस्तु के बारे में थिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है ठीक है द बुक You have taken from me. Will you please return the book you have taken from me? क्या तुम मुझे वो बुक वापस कर सकते हो जो तुमने मुझसे ली थी यहाँ पे द बुक मैंने यूज़ किया है राइट right? तो ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स को आप रिलेट कर सकते हैं और ऐसे ही जगह पर द का यूज़ होता है दूसरी चीज़ वेन अ सिंगल नाउन रिप्रजेंट अ होल case. जब एक सिंगल नाउन जो है वो पूरे केस को रिप्रेजेंट करता है तब वहाँ पे द का यूज़ होता है फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं द काओ इज़ अ यूजफुल एनिमल है ना द काओ हमने यूज़ किया फिर एक रूल uh, और है कि बिफोर द नेम ऑफ़ रिलीजियस एपिक्स राइट जैसे कि द वेदाज दुराना द गीता सो रिलीजियस एपिक्स होली बुक्स के सामने भी हम क्या लिखते हैं द बाइबल राइट तो हम क्या करते हैं इनके सामने भी द यूज करते हैं बिफोर द कॉर्डिनल पॉइंट कॉर्डिनल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सो द नॉर्थ द ईस्ट द वेस्ट द साउथ राइट इनके सामने भी द का यूज़ होता है नेक्स्ट बिफोर द एडजेक्टिव फॉलोइंग द रिप्रेजेंटेटिव नाउन ठीक है अशोका द ग्रेट इसका ये एग्जाम्पल है उसके बाद बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रिवर्स आइसलैंड डेजर्ट ओशन फॉरेस्ट इन सभी नामों के आगे हम क्या लगाते हैं एंसो ऑन so कर सकते हैं उसको इन सभी चीज़ों के आगे हम क्या लगाते हैं द लगाते हैं अगर एग्ज़ाम्पल लें तो गंगा रिवर हो गई राइट ओके द हिमालय माउंटेन हो गए ओके द अंदमान निकोबार आइलैंड ये आइलैंड हो गया डेजर्ट में आप लिख सकते हैं सहारा डेजर्ट ओके ये डेजर्ट हो गया ओके ओशन में आप कोई भी ले सकते हैं द अटलांटिक ओशन So, इस तरीके से हमने आर्टिकल्स को किस तरीके से कहाँ यूज़ करना है जाना है चलिए जल्दी से आपकी बुक में दिए हुए एक्सरसाइज को हम रिलेट करते हुए कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ अगर मिस्टेक हो रही है तो वो मिस्टेक क्यों हो रही है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं लेट्स डू इट सो हेयर इज़ द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन आप देख रहे हैं दैट देर आर सम वर्ड्स और डिटामाइनर्स गिवन इन द हेल्पिंग बॉक्स राइट अब उन हेल्पिंग बॉक्स में से डिटरमाइनर्स का यूज़ करना है सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे देन आई विल हेल्प यू आउट इन फाइंडिंग द आंसर्स राइट सो ब्लैंक स्पेस को मैं छोड़ दूँगी पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे राइट सीड वॉज नो बिगर दैन नील ऑन डीपाजिटल फिंगर It was as hard as nutshell. I plant it, and flower will grow from it. Deepa said to hustle. She fetch flower pot and planted seed. She washed it day. Again after full stop, a blank space is here. Day fair again. Blank space shoot sprang. Then again full stop there is a blank space. Plant was no bigger than again there is a blank space little finger. No one knew what it was. We will have to wait until it flowers, said Deepa's mother. Dash again there is a blank space after full stop. Plant grew and grew. It grew very tall. We'll have to measure ourselves to see who is bigger, said Deepa to Dash, baby tree, as she set off for school for every time. By summer, Dash tree had grown much taller than Dash. It almost filled her sitting room. Next line, I wonder what kind of dash monster it is, right? Said mother. So she borrowed again. A blank space is there. Book on plant, buried. Again blank space. Nose in it, and finally called out. Here we are. It is again blank space. The female also called silk cotton. Again one more blank space. Enormous tree will bring dash whole house down father dashed off to dash shed to get dash x dash means a blank space right no shriek deepa if you chop it top of it will die father dear please so here is the question on your screen You are seeing that there are some uh, words और डिटामाइनर्स गिवन इन द हेल्पिंग बॉक्स राइट अब उन हेल्पिंग बॉक्स में से डिटामाइनर्स का यूज़ करना है सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे देन आई विल हेल्प यू आउट इन फाइंडिंग द आंसर्स राइट सो ब्लैंक स्पेस को मैं छोड़ दूंगी पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे राइट सीड वॉज नो बिगर दैन नील ऑन डीपास दिटिल फिंगर इट वॉज एज हार्ड एज nutshell. I'll plant it and flower will grow from it. Deepa it to hustle. She fetch flower pot and planted seed. She washed it day. Again, after full stop, a blank space is here, day fair again, blank space, shoot sprang up. Then again, full stop, there is a blank space. Plant was no bigger than, again, there is a blank space, little finger. No one knew what it was. We will have to wait until it flowers, said Deepa's mother. Dash, again, there is a blank space after full stop. Plant grew and grew. It grew very tall. We'll have to measure ourselves to see who is bigger, said Deepa, to dash baby tree as she set off for school for every time. By summer, dash tree had grown much taller than dash. It almost filled her sitting room. Next line i wonder what kind of dash monster it is right said mother so she borrowed again a blank space is there book on plant buried again blank space nose in it and finally called out here we are it is again blank space the female also called silk cotton again one more blank space enormous tree it ब्रिंग डैश होल हाउस डाउन फादर डैश ऑफ टू डैश टू गेट डैश एक्स डैश मीन्स अ ब्लैंक स्पीस राइट नो श्रेक दीपा इफ यू चॉप इट टॉप ऑफ इट विल डाई फादर डियर प्लीज हम इसकी मीनिंग बाद में समझेंगे सबसे पहले हम इन फिलिप्स को कम्प्लीट करते हैं सो so, फर्स्ट लेट्स कम्प्लीट द फिलप पार्ट ओके इन फर्स्ट फिलप विल स्टार्ट फ्रॉम अ सीड वॉज नो बिगर देन देन के बाद हमेशा द यूज़ होता है देन द जब हम कंपेयर करते हैं तो आपने हमेशा सुना होगा कि देन के बाद द यूज होगा तो अ सीड वॉज नो बिगर देन द नेल ऑन दीपाज लिटिल फिंगर राइट तो एक सीड है जो कि दीपा के नेल से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा या उससे बड़ा नहीं होगा हम कह सकते इट वॉज एज हार्ड एज देन अगेन अ नेटशल ठीक है नटशल के आगे अ लगेगा तो ये किसकी तरह हार्ड था एक नटशल की तरह हार्ड था आई प्लांटेड एंड अगेन अ फ्लावर विल ग्रो फ्रॉम इट दीपा सेट टू हर सेल्फ दीपा इज टॉकिंग विथ हर्सेल्फ और सेग टू हर सेल्फ दैट मैं इस सीड को क्या करूँगी प्लांट करूँगी और उसमें से एक फ्लावर निकलेगा राइट फिर शी फेच द फ्लावर पॉट वो क्या करती है द फ्लावर पॉट हम कह रहे हैं फ्लावर पॉट के आगे द लगा रहे क्योंकि डिफिनेट है यहाँ पर राइट डिफिनट चीज़ के आगे द यूज़ होता है तो उसने क्या किया एक फ्लावर पॉट लिया एंड प्लाटेड अगेन द सीड फिर से द लगा रहे हैं सीड के आगे She watched it every day. वो उसे हर रोज़ देखती थी Again, after फोर्ट stop. Every day a shoot sprang up. Every day मतलब हर रोज़ एक छोटी सी चीज़ shoot मतलब कुछ किसी नाजुक सी छोटी सी चीज़ का बाहर आना sprang up बाहर आता था कुछ नया दिखता था उसको changes नज़र आते थे उस छोटे से plant में the plant was no bigger, bigger than the little finger. अब वो था ठीक है प्लांट के आगे हमने फिर से द यूज़ किया है और दैन के बाद हमने फिर से द यूज़ किया है जैसे मैंने बताया था कि जब हम कंपेयर करते हैं तो दैन के बाद क्या आता है द यूज़ करते हैं ठीक है तो जो प्लांट था वो उसके लिटिल फिंगर से ज़्यादा बड़ा नहीं जाती लिटिल फिंगर कौन सी होती है ये वाली फिंगर होती है क्या आप सबको इन फिंगर्स के नाम पता है चलिए छोटी सी नॉलेज ले लेते हैं थम इंडिक्स फिंगर मिडिल फिंगर रिंग फिंगर एंड देन लिटिल फिंगर आई होप यू नो ऑल दिस राइट अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं सो नो वन न्यू वॉट इट वॉस किसी को नहीं पता था ये क्या है वी विल हैव टू वेट अनटिल इट फ्लावर्स सेट दीपाज मदर क्योंकि वो प्लांट किस चीज़ का था किसी को नहीं पता था तो दीपा की मदर ने कहा कि हम इसके लिए वेट करना पड़ेगा और उसके फ्लावर्स जब बाहर आएंगे तब हमें पता चलेगा ये किस चीज़ का प्लांट है अगेन प्लांट के पहले द यूज़ हो रहा है द ग्रू एंड ग्रू जो प्लांट है वो बढ़ेगा और ग्रो करेगा इट ग्रू वेरी टॉल है ना और वो बहुत बड़ा हो गया जब उन्होंने देखा कि वो प्लांट बहुत बड़ा हो गया ग्रू एंड ग्रू मतलब वो जो प्लांट था वो बढ़ा बड़ा और बड़ा हो गया वी विल हैव टू measure ourselves to टू सी हु इज बिगर Deepa। दीपा अब वो दीपा कहती हैं किससे कहती हैं वो बाद में बात है दीपा कह रही हैं कि हमें मेजर करना पड़ेगा किससे खुद से ये देखना पड़ेगा कि कौन बड़ा है नाउ शी सेंग टू हूम टू अ बेबी ट्री एक छोटे से ट्री से कह रही है एश शी सेट ऑफ फॉर स्कूल फॉर एवरी टाइम जैसे ही वो स्कूल जाने के लिए रेडी होती है वो देखती है जो पुराना वाला ट्री है वो बड़ा हो गया उसके बगल में एक छोटा सा ट्री तो उससे बात करते हुए स्कूल जाते हुए कहती है हम अपन आप दोनों को क्या करेंगे मिश्र करेंगे बाय समर द ट्री हैड ग्रोन मच टॉलर देन हर अब क्या हुआ अब वो जो समर में मतलब गर्मियों में द ट्री ट्री क्या अगर फिर से द यूज़ हो रहा है राइट तो वो जो ट्री था वो दीपा से भी और वो छोटे बेबी से भी छोटा बेबी प्लांट जो था उससे भी बहुत बड़ा हो गया इट ऑलमोस्ट फिल्ड हर सिटिंग रूम और वो क्या करेंगे सबसे बड़ी बात उसने उनके सिटिंग रूम को कवर कर लिया राइट right? अब यहाँ पे आई वंडर वॉट काइंड ऑफ मॉन्स्टर के आगे अ लगेगा इट इज सेट मदर अब माँ कह रही हैं उनकी किसकी दीपा की कि किस तरीके का मॉन्स्टर है या डेविल है सो शी बोरोड अ बुक ऑन प्लांट तब वो क्या करती हैं अ बुक ऑफ प्लांट उन्होंने प्लांट्स से रिलेटेड एक बुक को बोरो की मतलब रेंट पे लिया या थोड़ी देर के लिए किसी से मांगी राइट बरीड हर नोज इन इट बरीड हर नोज मतलब उसमें अपनी ना घुसाई किस में ना घुसाई मतलब बुक ओपन करके उनको इतनी ज़्यादा डिटरमाइंड वे में पढ़ने लगी विद फुल ज़ील एंड आज़म कि वो सब कुछ भूल गई तो यहाँ पे एक फ्रेज जैसा यूज़ हुआ है कि शी buried her हर नोज इन इट राइट एंड फाइनली कॉल्ड आउट और फाइनली वो जान पाए हियर वी आर उन्होंने कहा मुझे पता चल गया इट इज़ दीमर ऑल्सो कॉल सिल्क कॉटन वो कहती हैं ये सीमल प्लांट है इसे हम क्या कहते हैं सिल्क कॉटन यहाँ पे द सीमल हम कह रहे हैं राइट कॉटन इनॉर्मस ट्री इनॉर्मस मतलब वेरी लार्ज ह्यूज राइट बहुत टॉल ट्री है तो इनॉर्मस ई यूज हो रहा है तो वहां सामने क्या लगेगा एन वॉवल है ई e, सो so, जब भी वॉवल साउंड करता है तो उसके आगे क्या यूज होता है एन तो आर्टिकल एन यूज होगा एन इनॉर्मस ट्री इट विल ब्रिंग द होल हाउस जो उनका कहना है कि इतना बड़ा ट्री है कि वो क्या करेगा उस पूरे घर को नीचे दबा देगा फादर डैश ऑफ फादर जल्दी से उठे टू द शेड टू गेट एन एक्स कि वो जल्दी से टू द शेड वो शेड पर जाने के लिए जल्दी से उठे ताकि वो एन एक्स अगेन ए एक्स ई ई एक्स यानी कुल्हाड़ी होता है और दिस इज साउंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द साउंड ऑफ अ व मीन्स ए तो वहाँ पर अगेन हम एन यूज़ कर रहे हैं अगेन नो श्रेक दीपा दीपा कह दिए प्लीज़ पापा नो 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 डोंट काट इट इफ़ यू चॉप इट टॉप ऑफ इट विल डाई अगर आप इसे काट देंगे तो ये ऊपर से मर जाएगा फादर डियर प्लीज़ वो रिक्वेस्ट कर दिए प्लीज़ पापा इसे मत काटिए राइट सो दिस इज़ द यूज ऑफ द डिटरमाइनर्स गिवन इन योर हेल्पिंग बॉक्स आई थिंक इट विल हेल्प यू आउट वेयर टू यूज़ ए एंड द राइट एंड द अदर डिटर्माइनस टू चलिए आगे चलते हैं और क्वांटिफायर्स के बारे में और अच्छे से जानते हैं और आपके बुक में जो मच मैनी सम एनी लिटिल लिटिल फ्यू रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस वर्क बुक या वर्कशीट दिए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लेट्स ट्राई सो ना लेट्स नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट सम मोर क्वान्टिफायर्स ठीक है जैसे कि मैंने आपसे बात की थी अबाउट काउंटेबल नाउन एंड नॉन काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन हम कह सकते हैं सो so, हम कुछ क्वान्टिफायर्स को डिवाइड कर लेते हैं जिससे हमें ईजी हो जाएगा कि कौन से जो क्वान्टिफायर होंगे वो काउंटेबल नाउन में यूज़ होते हैं कौन से ऐसे क्वान्टिफायर्स uh, होंगे जो अनकाउंटेबल में यूज़ होते हैं एंड ऐसे कौन से क्वान्टिफायर्स होते हैं जो दोनों में यूज़ होते हैं तो so, सबसे पहले हम उन क्वान्टिफायर्स को देखेंगे जो कि सबसे पहले काउंटेबल नाउन में यूज़ होते हैं सबसे पहले अ फ्यू फ्यू वेरी फ्यू मैनी एवरी ईच सेवरल अ नंबर ऑफ राइट तो ये जितने भी क्वांटिफायर्स मैंने अभी आपको बताए हैं ये सारे क्वांटिफायर जो है वो काउंटेबल नाउन में यूज़ होते हैं इसके बाद हम आते हैं ऐसे क्वांटिफायर जो अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ होते हैं अनकाउंटेबल नाउन में मच अ लिटल लिटिल वेरी लिटल अ बिट ऑफ ये क्वांटिफायर्स बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं अब हम ऐसे क्वांटिफायर्स की बात करेंगे जो इन दोनों में यानी काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ होते हैं So the quantifiers are any, all, plenty of, a lot of, some, lots of, enough, more, most, no, none. So these are the quantifiers Jo Dono with use, hothe, right? Ab chari. अब हमने समझ लिया है एक ओवरव्यू ले लिया है कौन कौन से क्वांटिफायर किस किस के साथ यूज़ होते हैं और कौन से ऐसे क्वांटिफायर है जो दोनों के साथ यूज़ होते हैं राइट तो चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं एक वर्कशीट जो आपकी बुक में दी हुई है एक प्रैक्टिस एक एक्सरसाइज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपकी बुक में ऑलरेडी दी हुई है ठीक है तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सम एंड एनी इन क्वांटिफायर का यूज़ करना है सम और एनी सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगी और उसके बाद इसकी आंसर बताऊँगी राइट सो पहला क्वेश्चन है वुड यू लाइक मिल्क मिल्क इज अ मिल्क इज अ अनकाउंटेबल नाउन तो यहाँ पे जब अनकाउंटेबल नाउन की बात आ रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे सम यूज़ कर रहे हैं राइट नेक्स्ट देर आर बुक्स ऑन द टेबल सम बुक्स यहाँ पर मैम बुक्स तो काउंटेबल होती है लेकिन सम यूज़ किया है बिल्कुल ये बेटा ये आपको विथ प्रैक्टिस आएंगी कुछ ऐसे जैसे मैंने बताया सम जो है वो दोनों के साथ यूज़ होता है, है ना विथ काउंटेबल भी और विथ नॉन काउंटेबल सॉरी विथ अनकाउंटेबल भी तो सम जो है वो बुक्स के साथ भी यूज़ हो रहा है ये प्रैक्टिस करते करते आएगा थर्ड वन नो आई डोंट वांट बुक नो आई डोंट वांट सम बुक और एनी बुक नो, डोंट वॉन्ट एनी मुझे कोई भी पुस्तक नहीं चाहिए राइट right? फिर शी वॉन्ट सम पेपर टू राइट अ स्टोरी मुझे कुछ पेपर सम मतलब कुछ मुझे कुछ पेपर चाहिए एक स्टोरी लिखने के लिए या आप कहेंगे कि मुझे एनी पेपर कोई भी पेपर चाहिए ऐसा बोलेंगे नहीं मुझे कुछ पेपर चाहिए राइट तो यहाँ सम अगेन यूज होगा नाउ फिफ्थ वन दे डू नॉट हैव मनी विद डेम एनी मनी उनके पास कोई भी पैसा नहीं था एक भी रुपए नहीं थे तो एनी का यूज़ करेंगे राइट सो इन दिस वे हमने फर्स्ट फिलअप आपका कम्प्लीट किया है सेकेंड फिलप की ओर जाते हैं जहाँ पर आपको हेल्पिंग वॉक्स uh, में लिटल फ्यू अ लिटिल अ फ्यू दिया हुआ है उसका यूज़ करना है सेंटेंसेस के साथ यहाँ पर एक बात है अ लिटल और अ फ्यू जो है एक पॉजिटिव की तरह हम ले सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन uh, में सेंटेंसेस को ले जाते हैं राइट right? तो पहला सेंटेंस ट्राई करते हैं दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज ब्लैंक स्पेस फूड इज़ लेफ्ट विथ देम तो यहाँ पर जो है कि वो खुश नहीं थे क्यों क्योंकि उनके पास जो फ़ूड है छूटा हुआ था तो कितना लिटल उनके पास थोड़ा फूड जो है लिटिल लिटिल हम ले सकते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल है इसलिए हम क्या लेंगे लिटिल राइट right? अगर काउंटेबल होता तो हम क्या यूज़ करते फ्यू क्योंकि फूड जो है अनकाउंटेबल है इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं लिटिल ओके नाउ नेक्स्ट शी इज़ क्वाइट सेटिस्फाइड नाउ शी हैज़ डन बेटर देन शी एक्सपेक्टेड फिर से बेटर देन शी एक्सपेक्टेड अनकाउंटेबल है तो फिर से यहाँ होगा अ लिटल क्योंकि ये पॉजिटिव वे में सेंटेंस को ले जा रहा है फिर से नेक्स्ट सेंटेंस राजू हैज मेड मिस्टेक्स इन इंग्लिश पेपर दैट्स वाई ही इज सैड बताइए आप बता सकते हैं राजू हैज मेड राजू हैज मेड फ्यू मिस्टेक्स मिस्टेक्स क्योंकि काउंटेबल है इसलिए वहाँ पे फ्यू हम यूज़ करेंगे अ फ्यू की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने पहले ही कम मिस्टेक्स अटैम्प्ट किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या है वो सैड है ठीक है ही हैज़ डैश होप टू गेट सक्सेस यहाँ पे हम इस सेंटेंस को पॉजिटिव वे में लेके जाने चाहते हैं तो क्योंकि यहाँ होप जो है अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे अ लिटल इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे लिटिल का यूज़ करेंगे राइट right? नाउ अब नया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन कि दैट यू हैव टू इंसर्ट मच और मनी ठीक है बेसिकली अभी तक मैंने जो आपको एक टेबल दिया था अर्ली अर्लियर की मैंने बताया था जो मच होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है और मनी जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है तो आइए हम उस रूल के थ्रू अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है डिड यू बाय डैश स्टोरी बुक्स सो स्टोरी काउंटेबल हो सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे मैनी क्योंकि काउंटेबल हैं, तो हम मैनी का यूज करेंगे नाउ हाउ डैश वाटर इज लेफ्ट इन दिस टैंक इस इस टैंक में कितना पानी छुटा हुआ है या बचा हुआ है बेटर होगा हम बे, बचा हुआ क्या इस टैंक में कितना पानी बचा हुआ है इसे हम कह सकते हैं राइट तो यहाँ पे वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा इसलिए हम यहाँ पर माच यूज़ करेंगे अगेन दे डू नॉट हैव हाउसेस डैश के बाद हाउसेस, हाउसेस अगेन काउंटेबल नाउन है तो यहाँ मिनी का यूज़ करेंगे राज इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स बट ही हैज़ नॉट ब्रॉट डैश विथ हिम बुक्स की बात हो रही है बुक्स अगेन काउंटेबल है तो यहाँ मनी यूज होगा नाउ हाउ डैश मनी यू वॉन्ट तो हाउ मच मनी यू वॉन्ट मनी जो है अनकाउंटेबल है अभी आप पूछेंगे कैसे तो जब हम नाउन पढ़ेंगे ना तब उस समय इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे राइट नाउ सिक्स हाउ Students have their textbook. So, the students countable hai, again. hum use karenge many. So, in this way, we have completed the quantifiers and determiners. Hope you enjoy the video and understand the explanation of these determiners. So, thank you so much, and we will meet in our another video. Till then, bye.